जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे मंदिर के बारे में जो मंदिर पूरे साल में 8 महीने के लिए पानी में डूबा रहता है। कहा जाता है इस मंदिर से स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहस्यमय मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये मंदिर कहाँ है और इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और स्वर्ग जाने की सीढ़ियां किसने बनाई थी और ये सीढ़ियां कहाँ तक जाती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आखिर तक सुनिएगा जरूर। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों ये रहस्यमय मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में बाथू की लड़ी नाम का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर साल के 8 महीने में पानी में डूबा रहता है और इस मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा 8 छोटे-छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। कहते हैं ये मंदिर महाभारत काल से बना हुआ है। यह मंदिर पंजाब के जालंधर से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित महाराणा प्रताप सागर झील में पोंग बांध की दीवार से 15 किलोमीटर दूर एक टापू पर बना हुआ है। ये मंदिर फरवरी से जुलाई तक पानी के नीचे रहता है, यानी कि इस मंदिर के दर्शन आप सिर्फ 4 महीने में ही कर सकते हैं। बाथू की लड़ी का मंदिर साल के 8 महीने तक महाराणा प्रताप सागर झील में डूबा रहता है। जैसे ही पोंग बांध जिले का पानी का स्तर बढ़ता है, पानी के नीचे मंदिर की एक अलग ही दुनिया बन जाती है। इस मंदिर के बारे में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि लंबे समय तक डूबे रहने के बाद भी इस मंदिर में कोई बदलाव नहीं आया है, कोई सीलन नहीं आई है, कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है मंदिर में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि ये मंदिर बाथू नाम की शक्तिशाली पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर आप भगवान गणेश और माँ काली की मूर्तियों को पत्थर से उकेरा हुआ देख सकते हैं। मंदिर के अंदर शेषनाग पर आराम करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर की ऐतिहासिक मान्यता ये है कि यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा ने किया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। जब पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे तो उन्होंने स्वर्ग की सीढ़ियां बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे स्वर्ग तक बनाने में सफल नहीं हो सके, क्योंकि इन सीढ़ियों का निर्माण उन्हें केवल एक रात में करना था, जो कि संभव नहीं था। और पांडवों ने स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने के लिए भगवान कृष्ण जी से मदद मांगी थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने 6 महीने की एक रात कर दी, उसके बाद भी स्वर्ग की सीढ़ियां तैयार नहीं हो सकी। ऐसे में पांडवों का काम 2.5 सीढ़ियों तक अधूरा रह गया और सुबह हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस मंदिर में स्वर्ग में जाने वाली 40 सीढ़ियां मौजूद हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार इस मंदिर में जरूर होकर आएं। ये अनोखा मंदिर हिमाचल में है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर करिए। और ये अनोखा मंदिर जो कि साल में 8 महीने के लिए बंद रहता है, यानी कि पानी में डूब जाता है और सिर्फ 4 महीने के लिए खुलता है, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, क्योंकि ये अनोखा मंदिर ऐसा है जिसमें कहते हैं कि स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां हैं। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अगर आप समय निकाल सकते हैं तो एक बार यहाँ के लिए समय जरूर निकालिए और मंदिर के दर्शन करके जरूर आइए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताइए क्या आपको इस मंदिर के बारे में पहले पता था। अगर नहीं था तो कमेंट करके हमें दोस्तों जरूर बताइए। धन्यवाद।